फ्रेंड, मेरे चैनल किरण होम क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए ये इस तरीके का एक बुनाई का पैटर्न लेकर आई हूँ, जो कुछ बीच में इस तरीके के बूटे बने हुए हैं। सादा सिंपल डिज़ाइन है, बनाने में भी काफ़ी बेहद आसान है और अच्छे तरीके से आप ये बना सकते हैं। किसी कार्डिगन में, लेडीज़ कार्डिगन में डाल सकते हैं, अपने बेबी के स्वेटर में डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हैं, ये सब में ही काफ़ी अच्छा लगेगा। आप कैप में भी डाल सकते हैं। रॉन्ग साइड इसका कुछ इस तरीके से है फ्रेंड। स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड, ये मैंने किस तरीके से बनाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरा बुनाई का पैटर्न कैसा लगा। तो फ्रेंड, मैंने ये कुछ फंदे इसमें डाले हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ स्टार्ट करके। ये देखिए फ्रेंड, पहला फंदा मैंने स्लिप कर लिया, दो फंदे उल्टे बना लिए, फंदा पीछे किया, पांच फंदे सीधे बिन लिए, तीन चार पाँच, फिर दो फंदे उल्टे बिन लिए, ठीक है, फिर पांच फंदे सीधे बना लिए, फिर दो फंदे उल्टे बना लिए, तीन और ये लास्ट का पांच, ठीक है फ्रेंड। अब हमारी रॉन्ग सिलाई में हमें क्या करना है, जो हमने सीधे बनाए हैं वो हमें उल्टे बनाने हैं और जो उल्टे बनाए हैं वो हमें रॉन्ग सिलाई पर सीधे बिनने हैं। अभी हमारे दो फंदे उल्टे हैं तो ये हमें सीधे बनाने हैं, पांच फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, ये हमारी रॉन्ग सिलाई पूरी हो गई। अब हमें क्या करना है, पहला फंदा हम स्लिप कर लेते हैं, फंदा आगे किया, दो फंदे हमने गांठ वाले बना लिए, ये उल्टे फंदे, फंदा पीछे किया। अब ये जो तीन फंदे हैं फ्रेंड, इनको हम इस तरीके से उतारेंगे दूसरी सिलाई पर और ये दो फंदे हम हमने ये उतार लिए और इनको हम फ्रेंड इस तरीके से सीधा करेंगे और ये चार तो फ्रेंड ये मैंने इस तरीके से फंदे घुमा के अब मुझे क्या करना है, ये जो पांचों फंदे हैं इन फंदों को एक सिलाई में उतार के और मुझे ये फंदे सारे घटाने हैं और पांच फंदे बढ़ाने हैं। इसी में से मैं पांच बार फंदे निकालूंगी फ्रेंड। फिर फंदा इस तरीके से आगे किया और ये फंदा, फिर इसी में से ये तीन फंदे हो गए, फिर फंदे को आगे करेंगे हम फ्रेंड। फिर मैं एक ही में से एक पर और करूँगी, ये देखिए, ये इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड, बस ये करना है हमें। ये हमारे पांच फंदे घट गए और पांच फंदे यहाँ
हो गए। यही कंटिन्यू पूरी सिलाई में करना है। इस तरीके से हम ये फंदे उतारेंगे। देखिए आप, इस तरीके से फंदे हम दूसरी सिलाई पर उतारेंगे और ये दो फंदे हैं इनको हम सीधा करेंगे और फिर हम ये फंदे सारे इन्हीं सिलाई पर दोबारा करके और ये सारे फंदों में से पांचों फंदों में से पांच फंदे बनाने हैं हमें। इस तरीके से एक और फंदा आगे किया, फिर दो और ये तीन बार। तीन बार करेंगे ना आप तो ये पांच फंदे हो जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड। ये देखिए मैं आपको गिनवाती हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5। फिर हम दो गांठे बनाएंगे, ठीक है। फिर हम उसी तरीके से करेंगे। अब हमारे यहाँ लास्ट के पांच फंदे हैं तो हम इन चार फंदों को घुमाएंगे। ये देख तीन को इस तरीके से, एक फंदे को सीधा किया। अब हमें चार फंदों के लिए, तो फ्रेंड ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, रॉन्ग साइड पर एक फंदा उल्टा लेना है, दो फंदे दूसरा भी उल्टा बिनना है, तीन चार ये सारे फंदे उल्टे बना लिए। अब हमने दो फंदे सीधे बनाने हैं, फिर ये हमें पांच फंदे उल्टे बिनने हैं, ठीक है। फिर दो फंदे हमें सीधे बिनने हैं, फिर हमें पांच फंदे उल्टे, ठीक है। फिर दो फंदे हमें सीधे बनाने हैं, लास्ट का फंदा हमारा उल्टा ही आएगा। रॉन्ग साइड हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो गई। राइट साइड पे हमें अब क्या करना है, बहुत ईजी है फ्रेंड। दो उल्टे बनाने हैं, फिर हमें उसी तरीके से पांच सीधे बिनने हैं, दो फंदे उल्टे बनाने हैं, पांच फंदे सीधे बनाने हैं। ये पूरी सिलाई हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। दो फंदे हमें उल्टे बनाने हैं, पांच फंदे हमें सीधे बनाने हैं। ये हमें चार सिलाइयां बनानी हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये हमें इस तरीके से चार सिलाइयां बनानी हैं, दो सीधी और दो उल्टी, ठीक है फ्रेंड। अब मुझे फिर उसी तरीक़े से ये फ्रेंड मैंने ये कुछ फंदे सिलाई कर ली हैं पूरी। अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मुझे फिर बीच में डिज़ाइन डालना है, फिर मैं उसी तरीके से करूँगी इसको। ये इस तरीके से फंदे लिए और ये दोनों फंदे सीधे करना है। सारे फंदे इसी तरीके से सिलाई में डालकर फिर हमें कंटिन्यू जैसे हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, ये हमें फिर उसी तरीके से बनाना है। हमारा बुनाई का पैटर्न तैयार हो जाएगा। ये देखिए फिर ये दो फंदे गांठ उल्टे आएंगे, फिर मैं ये तीन फंदे इस तरीके से लूंगी और ये दो फंदे मुझे एक एक करके ये सीधे करने हैं।
जैसे हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था पैटर्न डालना, ये उसी तरीके से हम डालेंगे और हमारी बुनाई कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये भी हम उसी तरीके से करेंगे। रॉन्ग सिलाई हमारी उसी तरीके से रहेगी। लास्ट का फंदा मैं सिंगल बिन लेती हूँ इस तरीके से। रॉन्ग साइड हमारी उसी तरीके से बनाई जाएगी फ्रेंड। पहला फंदा उल्टा बिन लिया, ये जो फंदे हैं ये भी मैंने सब उल्टे बना लिए। पांच फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, फिर ये पांच फंदे हैं ये उल्टे, दो फंदे सीधे। हमारी बुनाई इसी तरीके से स्टार्ट हो गई जैसे हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट की थी। ये देखिए फ्रेंड, आई होप आप लोगों के लिए पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के कमेंट से बहुत सपोर्ट मिलता है। ठीक है फ्रेंड, ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बना है। थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुनाई के पैटर्न के साथ। थैंक यू।